अल्लामा इब्ने बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह से, आप अल्लामा इब्ने बाज़ सऊदी अरब में, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह से एक सवाल किया गया। सवाल किया गया, वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है। कहते हैं सवाल में, क्या इराक के हाकिम पर लानत करना जायज़ है? इराक का हाकिम कौन है, कौन था उस वक्त? सद्दाम। क्या सद्दाम पर, इराक के हाकिम पर लानत करना जायज़ है? क्योंकि बाज़ लोगों का कहना है कि जब तक कलेमा गो है, यानी मुंह से कलेमा पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें लानत करने से तवक्कुफ करना चाहिए। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, क्या लानत करना जायज़ है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब तक मुंह से कलेमा पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से निकालता है, तब तक उसको लानत के ऊपर नहीं करना चाहिए। और शेख आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स सद्दाम को काफिर कहता है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सवाल है, ये पूरा क्या है, सवाल है। इसके बाद जवाब, अल्लामा इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो शख्स काफिर है। जब सुना था फतवा, लोग नहीं जानते हैं ना कि उस आदमी का क्या अकीदा था, वो कौन था, कैसा था। वो शख्स काफिर है अगरचे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और नमाज रोजा भी करे, जब तक कि बासी, यानी यही बास पार्टी, जब तक कि बासी इल्हादी अकायदो नजरियात से बरात और बेजारी न करे और ऐलान न कर दे कि उसने बासियत और उसकी दावत देने से तौबा कर लिया है। जब तक वो आदमी बासियत का इल्हादी बेदीनी नजरिया जो है, अकीदा है, जब तक वो इससे अलग थलग ना हो जाए, ये ना बोल दे कि आज से मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता और जो कुछ वो कर रहा है उससे तौबा ना कर ले, तब तक वो काफिर है। समझ रहे? क्योंकि वो अकीदा कुफ्रिया अकीदा है, इल्हादी अकीदा है। उस अकीदे को मानने वाला मुंह से सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह सौ मरतबा पढ़ता रहे, कोई फायदा होगा? उसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हुआ अगर जाए बुत परस्ती करे तो क्या वो मुसलमान माना जाए? तो ये कौन सी बात है? सिर्फ मुंह से कहने का नाम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम तो ईमान नहीं है। मुंह से कहना है, उसके माने को दिल में उतारना है, उसकी उसका यकीन करना है और उसके मुताबिक अमल करके दिखाना है। जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अकीदा कुफ्रिया इल्हाद का अकीदा है ना, तो आप बताइए कि सिर्फ जबान से कहने से कैसे कोई मुसलमान हो सकता? ठीक है, उसके बाद कहते हैं इसकी वजह क्या है कि जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा तब तक वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बासियत कुफ्र, बासी फिरका क्या है ये, इसका अकीदा ये कुफ्र और गुमराही है, लिहाजा जब तक वो इस बात का ऐलान नहीं करता काफिर है। ये कोई आम आदमी का फतवा नहीं है, ये अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, जो इस कदर फतवे के मामले में, खासतौर पर कुफ्र वगैरह का इस्तेमाल करने में इतना ज्यादा मोहताज थे, इतना मोहताज थे कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ये सरीह कुफ्र न होता तो अल्लाह इब्ने बाज़ का फतवा सरीह लफ्जों में काफिर होने का नहीं होता, ये सरीह फतवा है। बहरहाल मेरे भाई, ये भी शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जो फतावा है उसकी छठी जिल्द और सफा नंबर पर लिखा हुआ है, उसके वहां से ये फतवा लिया गया है।